स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, दुनिया के 80% से भी ज्यादा देशों के लिए मैरिटाइम रूट्स उनके ट्रेड और कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट बेसिस है, जिसे किसी भी स्टेट के जियोग्राफिक लोकेशन का एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिक फीचर माना जाता है। ऐसा एक क्रूशल मैरिटाइम ट्रेड रूट है मलक्का स्ट्रेट, जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला इंडो पैसिफिक रीजन के लिए एक की रूट है। साउथ चाइना सी को बर्मा सी से और इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाला यह स्ट्रेटजिक स्ट्रेट दुनिया का बिजिएस्ट कमर्शियल क्रॉसिंग है। इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करने वाला ये फनल शेप्ड चैनल 800 किलोमीटर लॉन्ग है। वैसे तो फिलिप्स पॉइंट इस स्ट्रेट का नॉर्थ वेस्ट पॉइंट है, जहां इसकी विड्थ महज 3 किलोमीटर की है, लेकिन नॉर्थ में सुमात्रा के वी आइलैंड और इस्थमस ऑफ क्रा के बीच इस स्ट्रेट की विड्थ 250 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। मलय पेनिनसुला के वेस्टर्न कोस्ट और इंडोनेशियन आइलैंड के बीच फैला हुआ ये पैसेज वर्ल्ड वाइड मैरिटाइम ट्रेड ट्रांजिट का 60% हैंडल करता है। हर दिन करीब 150 से भी ज्यादा शिप्स और हर साल लगभग 90,000 शिप्स यहां से गुजरते हैं। वर्ल्ड मोबिलिटी को इंश्योर करने वाले क्रूड ऑयल से लेकर डेली यूज आने वाली कॉमोडिटीज तक आज हर तरह के सामान इस मैरिटाइम रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इनफैक्ट चाइना और जापान जैसे मेजर एशियन पावर्स के लिए ये पैसेज उनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई भी है। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर दिन इस रूट से करीब 15 मिलियन बैरल ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मलक्का स्ट्रेट इसलिए भी खास है क्योंकि अपने अराउंड मौजूद दूसरे सी रूट्स के मुकाबले मलक्का का सफर ज्यादा तेज है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर 3 कंटेनर एक साथ स्वेज कैनाल से निकलकर पोर्ट ऑफ बुसान की तरफ जाते हैं। कंटेनर ए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए बुसान पहुंचता है, वहीं कंटेनर नंबर बी सुंदा स्ट्रेट से और कंटेनर सी लोम्बोक स्ट्रेट से होते हुए बुसान पहुंचता है, जहां कंटेनर ए को इस जर्नी को पूरा करने के लिए 14,860 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करना होता है, वहीं कंटेनर बी को 15,946 और वहीं कंटेनर सी को 17,344 नॉटिकल माइल्स का सफर तय करना होता है। यानी कंटेनर ए के मुकाबले कंटेनर बी और सी ज्यादा समय और ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करके अपनी जर्नी को खत्म करेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्यों मलक्का स्ट्रेट को इतना इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। लेकिन दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट का इंपॉर्टेंस सिर्फ मैरिटाइम ट्रेड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके ऊपर का एयर स्पेस दुनिया के बिजिएस्ट एयर रूट्स में से एक है और अंडर वाटर सीबेड में इंटरनेट केबल्स का नेटवर्क उसे साइबर वर्ल्ड के लिए भी एक सिग्निफिकेंट एरिया बनाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि क्यों मलक्का स्ट्रेट ग्लोबल इकोनॉमी के सबसे वाइटल आर्टरीज में से एक है। WTO, US Energy Information Administration और लंदन बेस्ड फॉरेन अफेयर्स थिंक टैंक कैथम हाउस जैसे कई इंस्टीट्यूट्स ने मलक्का स्ट्रेट को एक ट्रेड चोक पॉइंट या एक नैरो पैसेज के तौर पे क्लासिफाई किया है। यही वजह है कि आज दुनिया की कई मेजर और पावरफुल कंट्रीज मलक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हैं। इंडिया और चाइना भी इन्हीं देशों में से एक है जो मलक्का के मैराथन में दौड़ रही है। इंडिया चाइना की इस रेस को मलक्का डायलमा के नाम से भी जाना जाता है। इस डायलमा का कारण है मलक्का की स्ट्रेटजिक लोकेशन, जो अगर किसी के कंट्रोल में आ जाए तो ग्लोबल केओस पैदा कर सकती है। दरअसल मलक्का स्ट्रेट के इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वाटर बॉडी ग्लोबल केओस का एक मेजर हॉटस्पॉट है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे ही एक केओस की बात सामने आई, जो आने वाले दिनों में मलक्का स्ट्रेट से शुरू हो सकता है। लेकिन आने वाले इस केओस का कारण किन्हीं दो देशों के बीच राइवलरी या टसल नहीं, बल्कि एक नेचुरल थ्रेट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप के नेचुरल फीचर के ऊपर गौर करें तो आपको इस रीजन में दुनिया के कई एक्टिव वोल्केनोज और अर्थक्वेक हॉटस्पॉट्स देखने को मिलेंगे। सुमात्रा कोस्टलाइन और खासकर जावा के सदर्न पार्ट में मौजूद अर्थक्वेक वोल्केनिक एक्टिविटीज पूरे रीजन के लिए एक परपेचुअल थ्रेट की तरह बने हुए हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज के चलते वो दिन शायद दूर नहीं जब अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन जैसे नेचुरल डिजास्टर का इंपैक्ट सिर्फ मलक्का स्ट्रेट पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे पड़ेगा। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी थ्रेट के बारे में जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक वोल्केनिक एक्टिविटी से ग्लोबल केओस की सिचुएशन पैदा हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो इस इवेंट के क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं।
प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है, क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे UPSC के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। प्रोग्राम का ये लास्ट बैच है जिसमें क्लासेस की स्टार्टिंग कल यानी 7th February शाम 7 बजे से हो रही है। आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट मलय पेनिनसुला या मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। ये एरिया एशिया पैसिफिक रीजन के रिंग ऑफ फायर के बेहद नजदीक मौजूद है। दोस्तों, रिंग ऑफ फायर या जिसे सर्कम पैसिफिक बेल्ट या गिर्डल ऑफ फायर भी कहा जाता है, एक ऐसा रीजन है जो पैसिफिक ओशन के अराउंड लोकेटेड है। ये रीजन दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनोस का घर माना जाता है। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक इस बेल्ट में 700 से 900 के करीब वोल्केनोस मौजूद है, जो दुनिया में मौजूद अलग अलग वोल्केनोस का 2/3 है। हिस्टोरिकली अब तक इस बेल्ट में 350 से ज्यादा मैसिव वोल्केनिक इरप्शन रजिस्टर्ड किए गए हैं। इसी रिंग ऑफ फायर से प्रॉक्सिमिटी मलक्का स्ट्रेट केओस का प्राइम रीजन है। दरअसल हाल ही में जावा के दो वोल्केनोस सुमेरु और मिरापी के इरप्ट होने की खबर सामने आई। ये दोनों ही वोल्केनोस इंडिया के जावा में लोकेटेड है और पिछले हजारों सालों से एक्टिव कंडीशन में है। इंडोनेशिया में 500 से भी ज्यादा वोल्केनोस मौजूद हैं, जिनमें से 129 वोल्केनोस आज भी एक्टिव स्टेज में है। उदाहरण के लिए जावा को सुमात्रा से अलग करने वाले सुंदर स्ट्रेट में क्राकाटोआ लोकेटेड है। ये कैल्डेरा है, यानी एक बड़ा वोल्केनिक क्रेटर जो किसी मेजर इरप्शन के बाद हुए डिप्रेशन से बनता है। इसी तरह क्राकाटोआ के वेस्ट में लोकेटेड तंबोरा एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, जो वोल्केनिक ऐश और लावा के लेयर से बना एक कॉम्पोजिट वोल्केनो है। 1815 में तंबोरा के इरप्शन की वजह से दूर यूरोप और ईस्टर्न USA तक क्रॉप फेलियर जैसे इंपैक्ट रजिस्टर किए गए थे। उस इरप्शन का मैग्नीट्यूड वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स यानी VEI में 7 स्केल पर था, जो कि काफी हाई है। एक्सपर्ट्स की माने तो 1815 जैसे सीवियर इवेंट हर मिलेनियम में एक या दो बार होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंसर्न ये है कि मलक्का स्ट्रेट जैसे ग्लोबल चोक पॉइंट को ब्लॉक करने के लिए इससे कम मैग्नीट्यूड का इरप्शन भी काफी होगा। 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर रिस्क स्टडीज के रिसर्चर्स ने मरापी में V16 स्केल के इरप्शंस के इफेक्ट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा इरप्शन ऐश क्लाउड्स और फाइन टेप्रा यानी एयर में फाइन रॉक पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, जो मलक्का स्ट्रेट के ऊपर सिंगापुर और मलेशिया तक स्प्रेड हो सकते हैं। इससे न सिर्फ लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन्स और एविएशन डिस्ट्रप्ट होगा, बल्कि 1 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल टेम्परेचर ड्रॉप के कारण अगले 5 साल में ग्लोबल GDP सर्कल से एस्टिमेटेड $2.51 trillion गायब हो जाएंगे। ये फिगर उस $5 billion लॉस के मुकाबले कई गुना ज्यादा है जो आइसलैंड में हुए 2010 इरप्शन के चलते ग्लोबल इकोनॉमी में रजिस्टर्ड हुआ था। वैसे तो मरापी में VEI 6 लेवल का इरप्शन होने की लो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दो इरप्शन के बीच एस्टिमेटेड एवरेज गैप 750 ईयर्स का होता है, लेकिन इस प्रोस्पेक्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के वोल्केनोलॉजिस्ट लारा मानी का कहना है कि मरापी जैसे इस रीजन में मौजूद दूसरे कई एक्टिव वोल्केनो का VEI 4, VEI 5 और VEI 6 इरप्शन स्ट्रेट को सीवियरली डिस्टर्ब कर सकते हैं। ये थ्रेट इसलिए भी इतना डेंजरस है क्योंकि जब एक वोल्केनो इरप्ट होने लगता है तो ये कहना मुश्किल होता है कि वो कब थमेगा और इरप्शन से कैसा और कितना नुकसान होगा। तो मान लीजिए इंडोनेशिया के सुमेरु जैसे एक्टिव वोल्केनो VEI 5 या VEI 6 मैग्नीट्यूड का इरप्शन प्रोड्यूस करता है। ऐसे किसी इरप्शन के कारण धरती के अंदर से निकलता मॉल्टन लावा अपने साथ वोल्केनिक ऐश को भी बाहर ले आएगा। ये वोल्केनिक ऐशेस पूरे आसमान को कवर कर देंगे और अगर हवा का रुख साउथ वेस्टर्ली हुआ तो मलक्का स्ट्रेट के ऊपर एयर ट्रैफिक
पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसी ही एक सिचुएशन 2010 में आइसलैंड के अंदर हुए इरप्शन के दौरान देखी गई, जब इरप्शन के कारण आसमान में फैली एशेस के चलते 6 दिन तक एयर स्पेस को बंद करना पड़ा। इस बैन के चलते यूरोप में करीब 95,000 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, जिसने 10 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को इफेक्ट करा। साथ ही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इस बैन ने एयरलाइन इंडस्ट्री को $1.7 बिलियन का नुकसान भी कराया। एयर रूट के अलावा मलक्का स्ट्रेट के अराउंड हुआ कोई वोल्केनिक इरप्शन सी रूट मोबिलिटी को भी डिसरप्ट कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, वोल्केनिक इरप्शन अपने साथ एशेज भी लेकर आता है। जब ये एशेज पानी में गिरती है, तब कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में आकर प्यूमाइस यानी वोल्केनिक रॉक्स की लेयर का निर्माण होता है। प्यूमिस रॉक्स में मौजूद पॉकेट्स में एयर बबल्स होते हैं, साथ ही इन रॉक्स की डेंसिटी भी बहुत लो होती है, जिस कारण ये रॉक्स पानी में फ्लोट कर सकते हैं। वोल्केनिक एशेस के कारण बनी प्यूमिस रॉक्स की लेयर इस स्ट्रेट की रेगुलर मोबिलिटी को खराब कर सकती है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में रूट किसी जगह पर ब्लॉक भी हो सकता है। साथ ही दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कि किसी वोल्केनो के इरप्ट होने का सबसे कॉमन रीजन अर्थक्वेक को माना जाता है। दरअसल अर्थक्वेक के कारण होने वाला टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट अर्थ सरफेस के अंदर मौजूद मैग्मा को वोल्केनिक एक्सप्लोजन के रूप में बाहर ले आता है। अगर ऐसे किसी अर्थक्वेक या हाइपोसेंटर यानी ट्रिगरिंग पॉइंट किसी ओशन बॉडी के अंदर हुआ, तो ये सुनामी जैसे डेडली डिजास्टर को भी जन्म दे सकता है। यानी यदि ऐसा कोई अर्थक्वेक मलक्का स्ट्रेट के पास जनरेट होता है, तो उससे पैदा होने वाली सुनामी भयानक तबाही मचा सकती है। साथ ही अर्थक्वेक की वजह से टर्बिडिटी करंट यानी फास्ट मूविंग सेडिमेंट मास सीबेट को खुरेता हुआ चलता जाएगा, जिससे अंडर वाटर केबल्स टूट सकती है। दरअसल सबमरीन इंटरनेट केबल्स काफी वल्नरेबल होते हैं, और अगर ऐसी कोई नौबत आ गई तो एक इकोनॉमिक पैंडेमोनियम की स्थिति पैदा हो जाएगी। इन केबल्स के थ्रू हर रोज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसपोर्ट होता है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को सपोर्ट करता है। ऐसा ही कुछ पिछले साल 2022 में सदर्न पैसिफिक ओशन के अंदर टोंगन आर्किपेलागो इरप्शन में देखने को मिला था, जब इरप्शन के चलते टर्बिडिटी करंट्स पैदा हुए, जिसके चलते केबल्स खराब हो गए और अल्टीमेटली एक रीजनल ब्लैकआउट की सिचुएशन आ खड़ी हुई। सिमिलरली वोल्केनोलॉजिस्ट लारा मनी 2006 में ताइवान के पास हुए ऐसे ही एक केस का जिक्र करती है, जहां अर्थक्वेक के कारण कई इंटरनेट केबल्स डैमेज हो गई थी। आलम यह था कि हांगकांग को बाकी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही केबल बची थी, जिसने हांगकांग को बाकी दुनिया से लगभग डिसकनेक्ट कर दिया था, और इन डैमेज्ड केबल्स को रिपेयर करने में 45 डेज लग गए थे। ऐसे में समझ सकते हैं सिर्फ एक वोल्केनिक इरप्शन किस तरह मलक्का को भी सभी डायमेंशन से कितना और किस हद तक इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जहां लार्जर वोल्केनोस से हुए कैटास्ट्रोफ्स ईजली साइंटिस्ट और जनरल पब्लिक का अटेंशन ड्रॉ करते हैं, वहीं स्मॉलर वोल्केनोज में डिस्ट्रक्शन का पोटेंशियल और भी गहरा होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के फाइंडिंग्स के मुताबिक माइनर वोल्केनोज का इरप्शन वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने के साथ साथ ग्लोबल ट्रेड रूट्स को भी डिसरप्ट कर सकता है, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। इनफैक्ट उनकी स्टडी में यह सामने आया है कि ग्लोबलाइजेशन के चलते ज्यादातर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लोअर मैग्नीट्यूड वोल्केनोस के रीजन में कंसंट्रेटेड है। इस क्लस्टरिंग के चलते कई पिंच पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं, जिनमें से एक है मलक्का स्टेट। साथ ही इस लिस्ट में ताइवान, मेडिटेरेनियन, साउथ चाइना सी, चाइनीज नॉर्थ कोरियन बॉर्डर, नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया भी शामिल है। ये पिंच पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग और एयर स्पेस में वाइटल रोल्स प्ले करते हैं। इन रीजन में अगर कोई माइनर इरप्शन भी हुआ, तो इतना वोल्केनिक ऐश और ट्रेमर जनरेट होगा जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और फाइनेंशियल नेटवर्क्स को तबाह कर देगा। फिलहाल जॉइंट एक्सप्लोजन से ज्यादा इन मॉडरेट इवेंट्स का डर है, जिनसे मेजर इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस, ट्रेड नेटवर्क्स और ट्रांसपोर्ट हब्स कोलैप्स कर सकते हैं। वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स में 6 तक रैंक करने वाले छोटे इरप्शंस ऐश क्लाउड्स, मड फ्लोस और लैंडस्लाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनका इम्पैक्ट क्रॉप फेलियर और फूड शॉर्टेज से लेकर पॉलिटिकल टर्मोइल तक देखा जा सकता है। हमने ऑलरेडी आपको आइसलैंड में हुए मैग्नीट्यूड 4 के वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बताया, जो मेनलैंड यूरोप के मेजर पिन पॉइंट के करीब था। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि 1991 में जब फिलीपींस का माउंट पिनातुबो इरप्ट हुआ था, तो मैग्नीट्यूड 6 का ये इरप्शन आइसलैंड के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा था। लेकिन इससे हुआ डिसरप्शन कंपैरेटिवली कम था, क्योंकि मेन इंफ्रास्ट्रक्चर से इसकी दूरी ज्यादा थी। नेचुरली इन सिनेरियोस को कंपेयर करते हुए कैम्ब्रिज जैसे रिपोर्ट्स वोल्केनो रिस्क असेसमेंट को इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मलक्का स्टेट को लेस वल्नरेबल बनाया जा सकता है। तो
दोस्तों वैसे तो हम अर्थक्वेक प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन अर्ली वार्निंग सिस्टम की मदद से सुनामी जैसे इवेंट्स के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। द इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन और यूनेस्को दोनों ने ही अर्ली वार्निंग सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिए हैं और वर्ल्ड वाइड नेविगेशनल वार्निंग सिस्टम नाम का एक एग्जिस्टिंग सर्विस है जो मैरीटाइम शिपिंग को मीटरोलॉजिकल या जियोलॉजिकल डिजास्टर्स के खिलाफ वार्निंग देता है। इस एरिया का डेजिग्नेटेड कोऑर्डिनेटर जापानीज कोस्ट गार्ड है, जिसके दायरे में स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी आता है। जहां तक वोल्केनोस की बात है तो उनके अंदर प्रेजेंट मैग्मा को मैनिपुलेट करके इरप्शंस को अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन अभी भी हम इस पॉसिबिलिटी और टेक्नोलॉजी से कई साल दूर हैं। अभी के लिए हमें वोल्केनोस को ठीक तरीके से मॉनिटर करना चाहिए और इरप्शन से जुड़े वार्निंग सिस्टम को और ज्यादा एक्टिव और फास्ट करना होगा। साथ ही डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन भी एक रेलेवेंट प्रिपेरेटरी मेजर बन सकता है। लोकल कंट्रीज नए सबमरीन केबल्स को इंस्टॉल कर प्रीवियस रूट्स पे अपने डिपेंडेंस को कम कर सकते हैं। साथ ही मलक्का स्ट्रेट के जैसे अल्टरनेटिव रूट्स को बनाया जा सकता है। चाइना ऑलरेडी कुछ ऐसा ही अप्रोच अडॉप्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सालों से साउथ थाईलैंड के अक्रॉस एक कैनाल कंस्ट्रक्ट करने में लगा हुआ है, जिससे वो मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सके। द थाई कैनाल से जाना जाने वाला ये कैनाल ना सिर्फ उसके एनर्जी कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा, बल्कि चाइनीज शिपिंग को और भी रेजिलिएंट बना देगा। इसी रेजिलिएंस के सहारे चाइना अपने जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग को और भी मजबूत कर पाएगा। लेकिन इससे सिर्फ उसी को फायदा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मलक्का स्ट्रेट के अलावा दूसरे रूट्स ग्लोबल शिपिंग के लिए एक इंश्योरेंस की तरह काम करेंगे। चैथम हाउस के एशिया पैसिफिक प्रोग्राम के डायरेक्टर बेन ब्लैंड कहते हैं कि एशिया के कई गवर्नमेंट्स मलक्का स्ट्रेट जैसे क्रूशियल चोक पॉइंट पे अपने डिपेंडेंस कम करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जैसे देश ऑलरेडी कंटिजेंसी प्लानिंग में लगे हुए हैं। आज जो भी देश मलक्का स्ट्रेट पे डिपेंडेंट है, उसके लिए नेचुरल डिजास्टर का ये थ्रेट उनके नेशनल सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज बनकर उभर सकता है। और इसी वार्निंग के साथ दोस्तों आज के वीडियो को हम यही विराम देते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स टू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।